बस्तर में लगातार हो रही बारिश ने अंदरूनी इलाके के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। बीजापुर और सुकमा जिला के कई गांव टापू में भी तब्दील हो गया है। ऐसे में एक गांव है, ग्रामीणों ने अपनी रोज की जरूरत को पूरा करने के लिए जुगाड़ से पुल का निर्माण किया है। यह पुल लकड़ी और तार से बनाया गया है, जो करीब 150 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा है। अब उफनती नदी को पार कर सैकड़ों ग्रामीण अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने इसी से आवाजाही कर रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में आप जिस लकड़ी के पुल को देख रहे हैं, वह सुकमा जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर बसे नागलगुड़ा गांव का है। इस गांव से होकर बहने वाली मलगेर नदी के किनारे स्थित दो पेड़ों की टनियों के सहारे ग्रामीणों ने इस जुगाड़ के पुल को बनाया है। मलगेर नदी के उफान पर होने की वजह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस जुगाड़ के सहारे पुल से रोज आवाजाही कर रहे हैं। राशन सामान लाने, अस्पताल जाने समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नागलगुड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीण इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति करते हैं इस पुल से, एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही नदी को पार करते हैं। पुल को तार से बांधा गया है और नीचे लकड़ी के पट्टे लगाए गए हैं। यह पुल ज्यादा लोड नहीं उठा सकता। ग्रामीणों ने बताया कि कई दफा नदी पर पुल बनवाने प्रशासन से मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी मुश्किलें किसी को नजर नहीं आती, इसलिए सभी गांव वालों ने मिलकर के बरसात से पहले ही खुद के लिए जुगाड़ का पुल बनाया है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की मिरतूर नदी के भरने से सेप्टलीगुड़ा, केतुलनार, तोयनार, मिरतूर, तड़केल, चेरली, बेशापाल, मधपाल सहित 15 गांव टापू में तब्दील हो गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में खाद्य सामग्री और मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से बीजापुर जिले में हालात बेकाबू हैं। अब तक कुल 3 हादसे हो चुके हैं। रविवार को एक ही दिन में 2 अलग अलग हादसों में राशन से भरा ट्रैक्टर और पीडीएस की चावल से भरा ट्रक पानी में बह गया था। इसके अलावा कुछ दिन पहले सर्चिंग से लौट रहे सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक जवान भी बरसाती नाला पार करते वक्त तेज बहाव के साथ बह गया था। बाद में जवान की लाश मिली थी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।